अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नवीद रजा और आपका फेवरेट शो वापस आ गया है जिसका नाम है मेंटल हेल्थ चेक। मेरे साथ हैं डॉक्टर कमल कदीर और मेरे साथ हैं आयशा। थैंक यू नवीद। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं कमल कदीर, आपको सबको पता है, और क्लिनिकल काउंसलर हैं आयशा। और इन लोगों का शो आप मुझसे पहले देख चुके हैं, मैं उस शो से नहीं था, उसमें मैंने कहा भाई अब खवातीन को मौका दिया जाए और खवातीन ही बात करें, तो इतनी बात की उन्होंने कि 30 मिनट का शो हो गया। लेकिन आई एम श्योर यू गाइस हैव एंजॉयड इट। और आज जिस शो पे हम बात कर रहे हैं, जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है। हर घर में एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक साइंसदान, एक एआई और एक मतलब सब है प्रोफेसर, हम इस स्पेशली सब कॉन्टिनेंट में, कि अगर किसी को लगता है बुखार है तो 15 डॉक्टर खानदान में निकल आते हैं, अगर किसी को लगता है कि गाड़ी ख़राब हो गई है तो 15 इंजीनियर्स निकल आते हैं। सेल्फ मेडिकेशन शुरू हो गई है, सेल्फ एनालाइज करना लोगों ने खुद को शुरू कर दिया है। तो मुझे समझ में नहीं आता ये गूगल की वजह से हो रहा है। एआई तो चलो अब आया है, वो तो आपको बड़ा ऑथेंटिक चीज़ें बता रहा है, विच इज़ स्केरी, आप लोगों को डरना भी चाहिए। विद टाइम मशीन विल कंट्रोल यू, अगर टर्मिनेटर आपने देखी है। तो क्या है ये प्रॉब्लम, इस मेंटल हेल्थ से ही रिलेटेड है ये आई एम श्योर। और लोगों को क्यों इतनी आपस में ये सेल्फ एनालाइज करके चीज़ों का जजमेंट दे के बताना शुरू कर दिया है कि जी मुझे यहाँ बहुत डस्ट है, मुझे OCD है ना, इस वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, जी यहाँ बहुत इरिटेशन है, मैं असल में मेरा मूड ख़राब हो गया था, आई एम सो सॉरी मैं बायपोलर हूँ। उन्होंने कभी डायग्नोज कराया है, कभी किसी से पूछा है, कभी डॉक्टर के पास गए, कि बस खुद ही पता चल गया इंटरनेट पर पढ़ के? एक्चुअली ऑफ कोर्स जो जितनी मैं कहती हूँ ना कि हमारे पास अब मेंटल हेल्थ अवेयरनेस बहुत है। अवेयरनेस का मतलब सबको पता है OCD, स्किज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन, बाइपोलर, ये वर्ड सबको पता है। अवेयरनेस है, एजुकेशन अभी भी नहीं है। तो वी डोंट रियली नो कि चीज़ें क्या हैं, हमने सिर्फ सुना है किसी, ज़्यादातर मैं कहती हूँ लोग TV पे भी देखते हैं, जो बात नहीं समझते कि TV पे अगर कोई कैरेक्टर को कोई पर्टिकुलर डिसऑर्डर है तो हर किसी को डिसऑर्डर के सारे सिम्टम्स थोड़ी होते हैं, 2-3 सिम्टम उन्होंने दिखाए हुए होंगे। अब आप उसको, आप फिर लोग उस डिसऑर्डर को सिर्फ उन 2 सिम्टम्स से रिलेट करने लगते हैं। जिस तरह आपने कहा सफाई का शौक होना या सफाई रखना या मुझे गंदगी से प्रॉब्लम होती है, OCD है लोगों के हिसाब से। हर कोई अपने आप को जो परफेक्शनिस्ट है वो कहेगा मैं OCD हूँ, जिसको सफाई के शौक हैं वो कहेगा वो OCD है। एक लड़की मुझे एक दफ़ा मुझे कह रही थी कि मैं तो सोच रही हूँ मैं जो ना OCD मेड हायर कर लूँ। मैंने कहा OCD मेड कौन होती है? वो जिसको सफाई का शौक हो। तो मैंने कहा आप ये बोले ना कि सफाई के शौक वाले को सफाई का शौक हो। बट तो ये टर्म्स ऑफ कोर्स हमारे एवरीडे लाइफ का पार्ट बहुत बन गए, जबकि वाकई में लोगों को जनरल अवेयरनेस है लेकिन एजुकेशन नहीं है कि ये डिसऑर्डर्स होते क्या है। आई एम श्योर ये सब चीज़ें डायग्नोस होती हैं ना, डॉक्टर आपके, आप डॉक्टर के पास जाके बैठते हैं, उनसे बात करते हैं, वो आपको बताते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है, आपको डिप्रेशन है, आपको XYZ कुछ है, ये खुद ही आप अपनी सेल्फ डायग्नोस कैसे कर लेते हैं? Right, so Naveed, if you really look at the proper process, there is an in-depth process to which we counselors or psychologists, we go through with any client. So koi client usually agar aa nahi raha khud bhi ya koi family member unko leke aa rahe, to bahut lambi chaudi history li jati hai from childhood, early years, teenage years, or entire history, जिसमें medical history, emotional history, cognitive history, जो आपके thoughts रहे हैं, किस तरीके के आपने चीज़ों को express किया over your span of life, वो पहले ली जाती है। And then there are professional psychological batteries which are run. Oh. Mm. Tests which are done. Batteries का मतलब your tests. Yeah. Right. Personality testing होती है, जिसमें IQ testing होती है, जिसमें आपकी diagnosis के लिए screening के बाद proper tools इस्तेमाल किए जाते हैं by trained psychologists or counselors. लोगों को explain करते हैं कि what exactly is sign and symptoms, और फिर भी जाके डॉक्टर से ज़रा आप तस्दीक तो करें उसकी। So OCD basically is a disorder जिसको हम obsessive compulsive disorder कहते हैं। ठीक है। Obsessions cognitive होते हैं, which means thought related होते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में आप obsess का मतलब होता है constant preoccupation आपको हो जाती है with that particular thought, भी हो सकता है कोई image भी हो सकती है, कोई urge भी हो सकती है, और वो constantly आपके दिमाग में बार 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 strike करता है। सफाई पसंद होना जरूरी नहीं है कि आप OCD हो। अच्छा मैं आपको बताऊँ सबसे मजे की बात, कोई चीज़ पसंद होना तो वैसे ही OCD नहीं है, क्योंकि OCD के जो obsession है वो प्लेजर कॉज नहीं करता, वो एंजाइटी कॉज करता है। OCD का जो ऑब्सेशन है वो वैसा होता है जो इंसान सोचना नहीं चाहता, एक चीज़ है जो बार बार मेरे दिमाग में आती है और मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बल्कि वो मेरे दिमाग में आती है, इस बात से मुझे एंजाइटी होती है, इस बात से मुझे डिस्ट्रेस होती है, होती है। ये कि मुझे ये पर्सन पसंद है और मुझे बार बार उसका ख्याल आता है, मैं OCD हूँ क्योंकि मैं ऑब्सेसिव हूँ, तो वो ऑब्सेसिव होना होता है इंग्लिश लैंग्वेज
का टर्म है, वो ओसीडी वाला ऑब्सेशन नहीं है. इट्स नॉट अ डिसऑर्डर. इट्स नॉट अ डिसऑर्डर. तो ओसीडी में ऑब्सेशंस होते हैं और फिर आप डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया कहते हैं कि कंपल्शंस हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं. कि कंपल्शन होता है एक एक्शन जो वो परफॉर्म करते हैं, क्योंकि ऑब्सेशंस में एंजाइटी होती है तो वो कंपल्शन परफॉर्म करते हैं अपनी एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए. तो जिस तरह का किसी को जो सबसे फेमस है ना, वो कहते हैं परफेक्ट, गंदगी का ओसीडी, तो वो लोग क्या होता है कि उन्हें कंटेमिनेशन का फियर होता है कि कोई चीज़ कंटेमिनेटेड है, और उसको रिड्यूस करने के लिए वो हैंड वॉशिंग करते हैं, बार बार कोई चीज़ साफ करते हैं. तो ये एक टाइप है ओसीडी की. इसमें और बहुत सारी टाइप्स, दिस इज नॉट द ओनली थिंग विच इज ओसीडी. क्लेनलीनेस, डिप्रेशन, बाइपोलर क्या होता है? सो बाइपोलर अगेन अक्सर हम यूज कर लेते हैं जब हमारी मूड में फ्लक्चुएशन आ रही होती है. बट बाइपोलर इज नॉट जस्ट मूड फ्लक्चुएशन, इट्स नॉट अ स्टेट, इट्स अ मूड डिसऑर्डर विच इज एपिसोडिक. सो आपकी एक डिप्रेसिव स्टेट और मैनिक स्टेट विच इज़ क्लिनिकली डायग्नोस्ड आफ्टर अ कंजेकटिव एटलीस्ट मिनिमम पीरियड ऑफ 4 डेज, जहाँ आपके पर्टिकुलर क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं. जैसे डिप्रेशन में होपलेसनेस, इंटेंस अफसरदा फील करना, जो पहले आप चीज़ें करते थे वो अब आपको दिल नहीं चाहता, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन थिंग्स है. सो देर आर क्लासिकल सिम्टम्स इन द डिप्रेसिव एपिसोड, एंड इन द मैनिक एपिसोड देर इज हाइटन्ड मूड, देर आर एलिवेटेड, आपकी स्पीच बहुत तेज़ हो जाती है, बहुत ज्यादा जल्दी बोलने लगते हैं. इसकी लंबी चौड़ी लिस्ट है. बट आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग नवीद, जो कवल एंड आई फील हम लोग अक्सर बात भी करते हैं, रिकॉग्नाइजिंग डिसऑर्डर कब होता है, यू नो. तो एक तो डिसफंक्शन, कि आपकी पुरानी लाइफ जैसी चल रही थी वो अब वैसी नहीं चल पा रही, आपकी फंक्शनिंग इफेक्ट हो रही है. फंक्शनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कवल, वुड यू? और दूसरा कि अब तो डायग्नोसिस की, अब तो क्या, हमेशा से है. एक बुक है, इट्स कॉल्ड द DSM, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल फॉर मेंटल डिसऑर्डर्स, उसको कहते हैं, इंटरनेशनल बुक है. APA की फॉर्मुलेशन, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन वो बनाती है वो बुक. वो थ्रू आउट द वर्ल्ड यूज होती है फॉर डायग्नोसिस. उसके अंदर प्लीज एवरीबॉडी प्लीज, उसके अंदर सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स के साथ टाइम फ्रेम्स हैं, ठीक है. और वो डायग्नोसिस करने के लिए आपको एक प्रोफेशनल चाहिए जो DSM के अंदर ट्रेंड है. आप उसको अपने सिम्टम्स बताएंगे, वो सिम्टम्स, टाइम फ्रेम, ये सब चीज़ें मैच करके फिर आपको, वो भी होता है कि ओवरलैपिंग भी होती है कोई चीज़ें, ठीक है, कल्चरल रेलेवेंस भी होती है. ये सब चीज़ें DSM का पार्ट है. कि फॉर एग्जाम्पल कि किसी कल्चर में आप ये सोचते हैं कि यार मेरे फैमिली में किसी की डेथ हो गई, वो मुझे नज़र आया, फॉर इंस्टेंस. हमारे जैसे कल्चर में ये चीज़ नॉर्मल हो सकती है, यू नो, बिकॉज हमारे बिलीव्स ऐसे हैं. सो ये हर चीज़ को कंसिडरेशन में रख के, जो आयशा ने कहा था ना, चाइल्डहुड हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, आपके सिम्टम्स कितने दिन से हैं, किस इंटेंसिटी के हैं, ये सब चीज़ें करने के लिए आपको एक क्लिनिशियन कहते हैं, उसे एक क्लिनिशियन चाहिए जिसकी DSM के अंदर ट्रेनिंग है. DSM सिर्फ पढ़ने से भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती. बिकॉज देखें, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, आयशा वुड नो, हम एक चीज़ कहते हैं डिप्रेशन में होती है क्राइंग स्पेल, ठीक है. अब DSM में लिखा हुआ है क्राइंग स्पेल. अब स्पेल को कौन डिफाइन करेगा? आयशा के लिए स्पेल हो सकता है कि कोई 5 मिनट के लिए अनकंट्रोलेबली रो रहा है. I had one spell of crying. मेरे लिए हो सकता है क्राइंग स्पेल कि भाई कोई दो घंटे तक बैठ के सिर्फ रोए जा रहा है. अब ये चीज देखें, डेली लाइफ में कोई पर्सन नहीं अंडरस्टैंड कर सकता अपार्ट फ्रॉम अ पर्सन हु इज ट्रेन्ड इन टू द प्रोफेशन और द बुक. सो इसीलिए डायग्नोसिस के लिए आपको एक ट्रेन्ड प्रोफेशनल चाहिए होता है. तो मुझे बताएं, लोगों को कैसे समझाया जाए कि अपने आप को सेल्फ डायग्नोस ना करें और मदद लें, तो उसके लिए क्या आसान तरीके हैं? हर कोई नहीं चाहता अपॉइंटमेंट लेके किसी डॉक्टर के पास जाए, या कोई रिसर्च बेस्ड चीज़ें पढ़ सकें, कुछ इंटरनेट एक्सप्लोर कर सकें, कुछ रिसर्चेस एक्सप्लोर कर सकें. कोई आसान तरीका भी बता दें, क्योंकि मुझे लगता है एक हार्डर वे तब आता है जब आप बहुत तकलीफ में, परेशानी में होते हैं. तो वो क्या ऐसा करें कि लोग एटलीस्ट ये समझ जाएं कि जो मैं इतने टाइम से अपने आप को समझ रहा था वो मैं हूँ नहीं, तो इतना तो पता चल जाएगा मसला. यार देखिए, बिफोर व्हाट वी कैन डू, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट वी कांट, वी शुड नॉट बी डूइंग. नंबर वन, दैट्स गूगलिंग योर सिम्टम्स. एग्जैक्टली, उस पे तकरीबन कोई 50,00,000 किस्म की रिसर्च होती हैं, और आप कम से कम ये देखा करें कि वो रिसर्चेस जो हैं वो कितनी ऑथेंटिक हैं. एग्जैक्टली. अब मैं आज यहाँ से कोई रिसर्च बना के, दोनों अगर साइकोलॉजिस्ट हैं, और मैं अपनी कोई रिसर्च बना के अपने नाम से डाल दूं साइकोलॉजी के ऊपर, सिर्फ एक शो करने की बेस्ड पे, और वो आपको रिसर्च वो इंजन पे दिखनी शुरू हो जाए, तो आपको उस पर बिलीव नहीं करना है. कभी कभी तो गूगल के हिसाब से ऐसा लगता है कि आपको बुखार के सिम्टम्स कैंसर करा देते हैं. तो मतलब आप एटलीस्ट हर चीज पे यकीन ना करें, पहले तो ये देखा करें कि कौन ऑथर है, किसने वो रिसर्च लिखी है, उनका पीछे पूरा क्या, उसका पीछे पूरा बैकग्राउंड है, वो कोई नोन लोग हैं वो नहीं है, तो आप बस हर चीज पढ़ना ना शुरू कर लें. Also, sometimes you may not be able to do that. मतलब इतनी क्योंकि इन्फॉर्मेशन है, आप अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं. हम हो जाते हैं.
कि हाउ डू वी नो कि ये ऑथर या ये बुक या जर्नल की क्रेडिबिलिटी मौजूद है. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हाईलाइट करें अपनी ज़िंदगी में अपने इर्द गिर्द उन लोगों को जो इन चीज़ों की नॉलेज रखते हैं. एंड आई एम श्योर बिकॉज साइकोलॉजी एंड स्पेशली क्लिनिकल साइकोलॉजी इज़ अ फील्ड विच इज़ एवर ग्रोइंग, बहुत ऐसे लोग हैं, आप उनको रीच आउट करके उनसे बेसिक डायरेक्शन लेना सीखें. पूछने ये स्टिग्मा को ख़त्म करें कि ये पूछना गलत है, शेयर करना गलत है. ओहो लोग क्या सोचेंगे कि व्हाट्स रॉन्ग विथ मी, नथिंग रॉन्ग विथ यू. फनी लगता है कभी कभी, मैं जनरली अपने सेट्स की बात करूं, जैसे कोई आया कि एक्टर बैठा है तो उसने अपनी शर्ट सही करके रख दी, जूते सही करके रख दिए, अपना मेकअप सही करके रख दिया, तो दूसरा जो बैठा हुआ है जिसको कुछ नहीं पता, ओह यू आर ओसीडी. To have all the things organized. And also just the fact कि लोग अब मतलब which is absolutely wrong कि लोग अब ये mental health disorders को somehow बहुत सारे ऐसे लोग हैं lack of again education cool समझने लगे. It's cool to say कि मुझे bipolar है, हाँ कि ये terms use करना कि मैं bipolar हूँ, मुझे तो autism है. मुझे बहुत sad लगती है, वो लगती है कि कोई अगर बहुत ही अचानक से अपना कोई mood दिखा के फिर हम्बल हो जाए या कोई अच्छा अच्छा ट्रांसफॉर्म हो जाए तो फिर पीछे से उसको बोलते हैं कि आप बाइपोलर है. आपको कैसे पता बाइपोलर है? हो सकता है उसको गुस्सा आया था, वो सही हो गया, जबकि इन सब चीजों के नॉर्मल डेली लैंग्वेज के टर्म्स हैं. अगर किसी का मूड ऊपर नीचे होता है तो उसको मूड स्विंग कहते हैं. अगर किसी को सफाई का शौक है तो उसको क्लीन फ्रीक कहते हैं. अगर किसी को चीजों ऑर्डर में रखने का शौक है तो उसको परफेक्शनिस्ट कहते हैं. अगर किसी को रात में नींद नहीं आ रही तो उसको इंसोम्निया कहते हैं, जरूरी नहीं है वो डिप्रेशन हो. और फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पर्सन को बहुत रोना आता है तो वो उसको मतलब यू नो यू कैन जस्ट कॉल इट अ क्राइंग स्पेल. आई मीन इन सब चीजों के अपने इंग्लिश लैंग्वेज टर्म्स हैं. हर चीज को ये स्टिग्मेटाइजेशन है कि आपने एक सिम्टम, जबकि DSM में एक सिम्टम डायग्नोसिस किसी डिसऑर्डर का नहीं होता. Exactly, कि आपको कोई एक सिम्टम है और एक सिम्टम की बेसिस पे आप कहें कि मुझे डिसऑर्डर है. मतलब ये लिनियर रिलेशनशिप नहीं है, कॉम्प्लेक्स है बहुत. इस पे हम बहुत सारी फैक्टर्स कंसिडर करते हैं. इट्स नॉट जस्ट कि आप आए, हमने DSM खोला, टिक 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 टिक. नो इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स एन इंटेंस प्रोसेस. इट्स क्वालिटेटिव एंड अ सब्जेक्टिव प्रोसेस, ऑफ कोर्स. हां तो इसीलिए इट्स एंड इट रिक्वायर्स टाइम. मतलब मैं कहती हूं ना, आपका मूड भी तो एक दो दिन में चेंज हो जाता है, तो इसीलिए हम डायग्नोसिस फर्स्ट उसमें करते भी नहीं है. इट्स एक्चुअली अ स्पैन ऑफ टाइम. कभी हम टेस्ट सारे रन करते में एक हफ्ता हो जाता है, कभी उससे ज्यादा हो जाता है, चेंजेस असेस करते हुए एंड देन यू मेक अ डायग्नोसिस. एंड ट्रस्ट मी, इवन एज क्लिनिशियंस वी आर वेरी केयरफुल अबाउट गिविंग अ डायग्नोसिस. एग्जैक्टली, अगर कहीं भी मुझे डाउट होगा ना तो हम मेडिकल डॉक्टर से यही डिफर करते हैं कि कहीं भी डाउट हुआ ना मुझे तो आई वुड रादर नॉट गिव अ डायग्नोसिस देन गिव वन. क्योंकि हम कहते हैं कि डायग्नोसिस के साथ बहुत सारी और फैक्टर्स भी इंक्लूडेड है ना, लाइक स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन और पर्सन की खुद सेल्फ इंटरनलाइजेशन. लेबल्स नेवर हेल्प एट द एंड ऑफ द डे. किसी को ये कह के ओ इसको ADHD, उससे आपको क्या मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, इट्स नॉट हेल्पिंग एनीबॉडी टू अचीव एनीथिंग. और फिर वो इंटरनलाइज भी करता है. चार सिम्टम उनके अंदर होंगे, बाकी वो जाके गूगल करेंगे और जो चार नहीं थे वो अपने डेवलप कर लेंगे, बिकॉज मुझे तो ADHD है. तो क्या करें लोग, व्हाट टिप्स you guys wanted to share with people ke normal life mein apne aap ko itna complicate karke zindagi na guzare, apni mental health ko improve kare, to what measures should be taken aur kis tarah se usko normally leke chal sake, itna complicate karne ki zarurat nahi. I think sabse pehli cheez apne aap ko monitor kare, ठीक है. अगर कोई भी सिम्टम अपीयर हो रहा है, कुछ सिम्टम्स विद टाइम एक दो दिन में खुद ही रिजॉल्व हो जाते हैं, सम थिंग्स जस्ट टेक टाइम. अगर बट यस, अगर आप मॉनिटर करने के बाद यू फील कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम कंसिस्टेंट है या एग्रीवेट बढ़ रही है, पहले कम थी, जो हम बुखार के साथ भी कहते हैं, हम एक दिन के बुखार पर डॉक्टर के पास तो नहीं जाते ना, तो आई अंडरस्टैंड कि पहली दफा में कोई भी नहीं जाता एक सिम्टम पे, लेकिन आप अपने आप को मॉनिटर करें, ऑब्जर्व करें, और फिर सबसे ज्यादा कभी कभी खुद फील नहीं होता दूसरे लोगों से पूछें. अगर आपको डाउट है कि मेरे अंदर चेंजेस आ रहे हैं तो आस्क अ फ्रेंड, आस्क समबडी इन योर फैमिली कि क्या वाकई में मैं पहले आई यूज्ड टू बी अ डिफरेंट पर्सन, नाउ आई एम बिकमिंग अ डिफरेंट पर्सन. थोड़ी अपनी पहले सेल्फ असेसमेंट करें, जब हो जाए सेकंड स्टेप है जो आयशा ने कहा कि जो रिसोर्स आपको पता है. देखें मैं साइकोलॉजी पढ़ाती हूँ, आयशा इज एट अ मेजर कॉलेज बीइंग रनिंग अ वेलबींग डिपार्टमेंट, तो आयशा वुड नो एंड आई वुड नो कि कितने बच्चे सिर्फ इसलिए आते बिकॉज दे नो कि हमारे पास नॉलेज है ना, तो वो पूछेंगे कि मिस क्या ये मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या आप कोई रेफरल बता दें, मैं किसी को दिखा
दिखा दूं तो भाई जो भी आपको लगता है, कोई जो आयशा ने कहा, कोई ऐसा पर्सन जिसके अंदर शायद थोड़ी नॉलेज है, सबसे पहले आप उसको अप्रोच करें. बिल्कुल. वो शायद आपकी हेल्प अगर नहीं होगी प्रॉब्लम तो खुद ही किया, वो आपको एटलीस्ट करेक्ट सोर्स तक रेफर कर देंगे. बिकॉज वाकई में यहाँ बैठ के मैं भी कहती हूँ बहुत सारे लोग हैं जो थेरेपिस्ट के पास जाना चाहते हैं, वो लोगों को पता ही नहीं होता कि जाना कहाँ है. टेक्निकल नॉलेज वाकई मिसिंग है. डॉक्टर के पास भी चले जाते हैं बेचारे, जनरल फिजिशियन के पास, कि उन्हें लगता है ये थेरेपिस्ट है. मतलब तो थेरेपिस्ट कौन है, साइकियाट्रिस्ट कौन है. कभी कभी मुझे ऐसा नहीं है मैं उनको गलत कहूंगा, कभी कभी मैंने बहुत ही एक थोड़ा केयरलेसनेस देखी है कि वो आपको नींद की दवा दे देंगे, वो आपको मसल रिलैक्सेंस दे देंगे, उस तरह की चीजें देके आपको भेज देंगे कि दो तीन दिन में आप जरा, ये भी गलत नहीं है. बहुत ज्यादा है. एक और चीज जो मैं शेयर करना चाहूंगी, बी एबल टू डिफरेंशिएट साइकाइट्रिस्ट कौन है और साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर्स कौन है. साइकाइट्रिस्ट MBBS करके साइकाइट्री में स्पेशलाइज करते हैं, एक्चुअली मेडिकल डॉक्टर्स, मेडिकल डॉक्टर्स, एंड देन दे कैन प्रिस्क्राइब मेडिकेशन. काउंसलर्स एंड साइकोलॉजिस्ट डू थेरेपी और काउंसलिंग, दे डू not and they're not supposed to give prescribe medicine. So ye differentiate karke sahi source tak pahunche. हर बड़े हॉस्पिटल में ये दोनों ब्रांचेस अवेलेबल होती हैं, तो आप एक्सेस कर सकते हैं. ऐसा नहीं है आप और दोनों ब्रांचेस एक दूसरे से दोस्ती में अवेलेबल होती हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि आप थेरेपिस्ट के पास चले गए आपको दवाइयों की जरूरत है हम फिर भी नहीं भेजेंगे. ऑफ कोर्स हम भेजेंगे. इफ यू सिट इन फ्रंट ऑफ अस एंड जो हम कहते हैं कि भाई पहला स्टेप थेरेपी है, सेकंड स्टेप मेडिकेशन है. लोग उल्टा समझते हैं कि पहले दवाइयां ले लो फिर जाके थेरेपिस्ट के पास जाओ. मतलब मेरा अगर मेरी डिवोर्स हो रही है, अगर आप देखें किसी भी नेचर और डॉक्टर के पास, आप साइकाइट्रिस्ट के पास जाएंगे तो आपको दवाई देगा, उसका काम ही यही है. वो तो आपको दे देगा एंटी डिप्रेसेंट के भाई ले लो. मतलब बट इमेजिन हाउ विल अ मेडिकेशन हेल्प यू इन ओवरकमिंग अ लाइफ प्रॉब्लम. ठीक है. सो हम पहला रूट यही है कि आप काउंसलर थेरेपिस्ट के पास जाएं. अगर उसको लगेगा कि आपको दवाइयों की जरूरत है तो हम रेफर कर देते हैं कि आप साइकाइट्रिस्ट को भी दिखा लें. सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन फॉर डिसऑर्डर्ड पेशेंट्स यही होता है कि वो मेडिकेशन भी लें और थेरेपी भी कराएं. सो बोथ एक्चुअली गो हैंड इन हैंड. हमारी कोई लड़ाइयाँ नहीं है डॉक्टरों से ना साइकाइट्रिस्ट से. हम बहुत खुशी से आपको भेजेंगे उनके पास इफ यू नीड इट. व्हाई नॉट. दैट्स परफेक्ट. आई एम श्योर कि ये जो हमने बताया लोगों को, जिस तरह से समझाया आप लोगों ने, कि यही इस बात का सलूशन है और यही हल है कि सेल्फ डायग्नोस करना चीजों को छोड़ दें, सेल्फ मेडिकेशन करना छोड़ दें. हर चीज जो इंटरनेट पे अवेलेबल है इज नॉट ट्रू. गूगल पे आपको लगता है ना सब बेस्ट सर्च इंजन, इट इज अ गुड सर्च इंजन, बट एवरीथिंग ऑन इट इज नॉट ट्रू. और वो उसकी रेलेवेंसी देखनी पड़ती है कि वो इतना मतलब ठीक है नहीं है, ऑथर कौन है, क्या है चीजें, सब देखनी चाहिए, किसने लिखा है सब देखना चाहिए. हर वही वाली बात है, वो एक मिसाल होती है ना कि हर सुनी हुई चीज पे यकीन नहीं कर लेना चाहिए. जब तक आंखों से देख लें अपना, वो रिसर्च अपना जरा सॉलिड करें. और जितना टाइम मेरे ख्याल से इंस्टाग्राम और फेसबुक पे स्क्रॉलिंग करके लोगों की जिंदगी में दिलचस्पी लेने पे गुजारते हैं, इतना उसको रिसर्च कर लें कि आपको ओरिजिनली ये चीजें अपने आप में ले लें. इतना आपको ये सब है भी कि नहीं है जो आपने अपने आप को इतना उसके बीच में फंसाया हुआ है. और अगर है तो इट्स ओके. इट्स जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ. लोगों को शुगर होती है, वो उसके साथ जिंदगी गुजारते हैं. लोगों को बहुत सारे मसाइल होते हैं, कोई चल नहीं पाता, कोई बोल नहीं पाता, कोई सुन नहीं पाता, वो जिंदगी गुजारते हैं. तो ये भी मेंटल हेल्थ के भी जो मसाइल हैं वो आपकी जिंदगी का हिस्सा होते हैं और उसके साथ आप अपनी जिंदगी गुजारते हैं. तो आज का आई एम श्योर शो आप लोगों के लिए बड़ा हेल्पफुल रहा होगा इन टर्म्स के प्लीज अपने आप को सब कुछ समझना ना शुरू कर दें या ना समझें. लोग जो सीख के पढ़ के बैठे हुए हैं वो किसी वजह से बैठे हुए हैं. हर इंसान अपनी डिपार्टमेंट में एक्सपर्ट होता है, तो हेल्प लेने से कोई वो नहीं होनी चाहिए, शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, या हेल्प मांगने में कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए. अगर आपकी जिंदगी बेहतर हो सकती है तो जरूर क्यों नहीं. तो थैंक यू वेरी मच कमल, थैंक यू आयशा. आप लोग हमेशा इतना अच्छा बोलते हैं कि मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती और मेरा बनता भी नहीं है. तो आज का शो यहाँ पे खत्म करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट शो पे नेक्स्ट एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मेंटल हेल्थ के इशू के साथ आपसे बात करेंगे, आपको बताएंगे व्हाट आर द इश्यूज, उसके सॉल्यूशंस, चीजें सारी. कमल हमारे साथ होंगी, आयशा हमारे साथ होंगी और मैंने हमेशा आपको बोला है कि अगर आपको लगता है कि आप चाहते हैं कि हम किसी चीज़ पर बात करें तो हमें हमारे इंस्टाग्राम पे, हमारे फेसबुक पे, हमारे यूट्यूब पे आप आके लिखिए, बताइए कमल से आपको कोई हेल्प चाहिए, आयशा से कोई हेल्प चाहिए. दे विल रिस्पॉन्ड टू यू ऑन दिस शो. अपना ख्याल रखिए और अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़.